पैदल चलते चलते ये मतलब पैर काट चुका है, इसलिए इसी में थोड़ा पत्ता घुसा लेते हैं। ये साइड में ना काटना शुरू हो गया, पत्ता लगा के इसको दोनों तरफ लगा दिया हूँ। पत्ता काट गया है, ये मतलब अच्छा चलना मुश्किल हो गया, मतलब बहुत। ये हो गया सबसे खूबसूरत ईटानगर, आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी ईटानगर सिंकी व्यू में है, बहुत बढ़िया लोकेशन, आप लोग देख सकते हैं। लोकेशन बढ़िया क्यों बताना, मैं आज पैदल चलेंगे कम से कम 500 किलोमीटर, क्योंकि ईटानगर पे आया हुआ कम से कम 2-3 महीना हो गया, किंतु बात यहाँ पे कभी मैं पैदल नहीं घूमा, इसलिए आज हम पैदल जा रहे हैं कम से कम 6 किलोमीटर। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लोकेशन है। अभी हम जा रहे हैं गंगा, गंगा से जाएंगे घर, इसीलिए हम इसीलिए वीडियो को बनाने के लिए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया लोकेशन है ना यार, कसम से दिल खुश हो गया, कसम से देखने लायक जगह है। 2 महीना हो गया क्योंकि वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था, क्योंकि बाहर जाने के लिए मौका नहीं मिला था। आज बाहर जाने के लिए भी मौका मिल गया, साथ साथ में मैं घर भी जा रहा हूँ। उसका बाद मैं सोचा गाड़ी लेके तो जा सकता था, 500 किलोमीटर पहाड़ी में चलना इतना आसान नहीं है, अलग वीडियो बनाने के लिए आप लोग को दिखाने के लिए। मतलब वो भी मैं अभी हूँ ईटानगर पे, ईटानगर सिंकी व्यू, कितना बढ़िया लोकेशन है, आप लोग देख सकते हैं पहाड़ी का ऊपर घर है यार, कसम से दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप लोग को एवरीथिंग लास्ट तक वीडियो में दिखाते हैं, ईटानगर सिंकी व्यू। सिंकी व्यू आने का रास्ता बहुत खतरनाक, आप लोग देख सकते हैं। सिंगल गाड़ी चल सकता है, जब भी गाड़ी आता है ऐसे साइड शूट में मतलब डाल देते हैं, जब इधर से गाड़ी आएगा ये देखा, इधर मतलब डबल क्रॉसिंग करने के लिए रखा हुआ है। उसके बाद मेरे पास एक झूला भी है, आप पीछे भी एक झूला है, थोड़ा सा मतलब यह थक चुका हूँ क्योंकि बहुत दिन से पैदल नहीं चल रहा था। आप लोग चल के अच्छा लगता है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पहाड़ी बहुत खूबसूरत है। सिंकी व्यू खास करके ईटानगर में जो सिंकी व्यू बोलते हैं, इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आता है। अभी आप लोग को इस वीडियो के जरिए से आज दिखा रहा हूँ सिंकी व्यू का वाटरफॉल, जो पानी आता है नदी है। चलिए आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया सामने, आप लोग देखिए ये हो गया सिंकी व्यू का लोकेशन, मतलब बहुत बढ़िया से अभी बना रहा है। आने वाला टाइम में यहाँ पे मतलब यार देखने के लिए बहुत खूबसूरत होगा। यहाँ पे खास करके नहाने के आदमी दूर दूर से आते हैं, और जो यहाँ का लोकल आदमी है, बता देता हूँ यहाँ का जो लोकल आदमी है खास करके, मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ वहीं पर नहाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के जरिए से आप लोग को दिखाने वाला हूँ सिंकी व्यू में नहाने वाला जगह कितना बढ़िया है। जब भी आप लोग घूमने के लिए आते हैं एक बार नहा के जाइए, आज तो हम नहा नहीं पाएंगे क्योंकि वही पानी से डेली नहा रहा हूँ। आज इसलिए नहीं नहाएंगे क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, कपड़ा भी नहीं ले। चलिए जो पहाड़ी है खास करके पौधा तो मतलब गिर चुका है, इसलिए अभी मतलब कभी भी बारिश होता है ना बहुत जल्दी मतलब रास्ता ब्लॉक हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं यही रास्ता है, उसका बार आप लोग देख सकते हैं ये हो गया सिंकी व्यू का वाटरफॉल। मैं वाटर बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जो लोकल आदमी से लेके जो भी बाहर से घूमने के लिए आते हैं खास करके यही नहाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ, आप लोग देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नहा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एक ओवर ब्रिज भी बना रहा है। मतलब आने वाला टाइम में शायद बहुत सुंदर होगा, और लोकेशन देखिए कितना बढ़िया लोकेशन है ना पहाड़ी का अंदर। उसके बाद भी खींच लेते हैं, लोकेशन तो हमको बहुत बढ़िया लगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ का रास्ता छोटा होने के कारण हॉर्न मारना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जब गाड़ी आता है यहाँ से नहीं दिखाई देता, इसलिए दूर से हॉर्न बजा के आते हैं। देखिए पहाड़ी का रास्ता है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये हो गया ईटानगर का सबसे खूबसूरत लोकेशन सिंकी व्यू। दूर पे आदमी नहा रहा है, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें फॉकलैंड भी एक है, आप लोग देख सकते हैं ये हो गया
ईटानगर का सबसे खूबसूरत लोकेशन सिंह की व्यू। लोकेशन देख के कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके एक बार बताइए, और कभी भी खास करके ईटानगर का बारे में जानकारी लेना चाहते तो आप लोग फ़ोन करके भी ले सकते हैं, कमेंट करके भी ले सकते हैं। यहाँ का घूमने का जगह आने वाला टाइम में एवरीथिंग वीडियो आ रहा है, आप लोग कभी भी वीडियो को देखे तो लास्ट तक देखे तभी आप लोग को समझ में आएगा। देखिए कितना बढ़िया लोकेशन है। मेरे को मेरा मतलब ज़िंदगी में ऐसा सपना था पहाड़ी का पर एक घर बनाने का, क्योंकि खास करके अरुणाचल में हम लोग जैसे असम का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता, इसीलिए ये सपना तो कभी पूरा हो नहीं सकता है। मेरे को बहुत सपना था यार कसम से, बुढ़ा के टाइम में ऐसा जगह पे एक घर बना कर रहता तो यार कितना अच्छा लगता है, कि तो वो शायद इस जन्म में पूरा नहीं होगा। यही हो गया ईटानगर का सबसे खूबसूरत लोकेशन सिंह की व्यू। अपकमिंग वीडियो देखना आप लोग ना बोले, अपकमिंग वीडियो जो है खास करके आप लोग को एक चीज़ लास्ट बता देते हैं, खास करके ईटानगर पे जब घूमने के लिए आते हैं आप लोग ये वाटरफॉल देख के जाइए, मतलब पानी का झरना बहुत ठंडा पानी है, हम लोग इसी पानी से ज़्यादा नहाता है जब भी हम लोग यहाँ रहता है, क्योंकि लोकेशन यार बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत लोकेशन। इस वीडियो के जरिए से आप लोग को दिखा दिया हूँ ईटानगर का सबसे खूबसूरत लोकेशन जो कि अरुणाचल प्रदेश का सिंह की व्यू बोलता है, आप लोग शायद सुनता होगा, ये देखने के लिए खास करके आता है। देखिए बहुत बढ़िया झरना है, उसके बाद नहा सकते हैं। आज के लिए वीडियो को इतना मैं खत्म कर दिया, देखना ना बोले आने वाला वीडियो आप लोग को दिखा रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश का एवरीथिंग लोकेशन, एवरी वीडियो कम से कम 5.5 साल तक आप लोग को ईटानगर का हर चीज हर गली हम दिखाते रहेंगे। आज के लिए वीडियो को इतना मैं खत्म करते हैं। जय हिंद।